बताओ क्या मेरी माँ का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया, खुश हो जाना आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, या उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक माँ यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के लिए फर्ज भी। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसी मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत पाना, क्योंकि जल कर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। चुपटे तिरंगे में जब उनको देखा बिखर में गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन में अपना बेटा, तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा, पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया, बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना, हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हाँ, करती हूं मैं आपसे वादा, कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूंगी। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फक्र से मैं कहूंगी। आया जब संदेश पिता के शहीद होने का, हम पर टूट पड़ा था पहाड़ दुखों का। मां ने ठान लिया बस अब इस दुख से बाहर निकलना ही है। उसके दिल में थी आग हमें काबिल बनाने की और मन में थी जिद पिताजी का सपना पूरा करने की। वो धूप में कर रही थी काम हम पर छाव रहने के लिए, हमको किया खुद से हमें बेहतर जिंदगी देने के लिए। वो सहती रही सारे दुख और दर्द अकेली,
ताकि हम कर सके अपना मुकाम हासिल। खुद रहकर तकलीफ में वो देखती रही हमारी मंजिल, और जब उस मंजिल को अपना मुकाम मिल गया तब मानो माँ का सपना ही पूरा हो गया। देख कर मुझे फौजी बने हुए, जब फख्र से उसने मुझे गले लगाया, तब पिताजी का सपना जो देखा था माँ ने, वो उसने हमारे रूप में पूरा कर दिखाया। ना की थी परवाह उसने खुद की, ना उसे चाह थी खुद के लिए कुछ करने की, बस उसने ठान ली थी राह उस अधूरे सपने को पूरा करने की। एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं है, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं है। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज के युवाओं से जरूर करनी है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा रखना। कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। जय हिंद। सच में